हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में ये देख लिए थे कि अगर गाड़ी की स्पीड ग्रेटर दैन सेफ स्पीड है तो क्या होता है। तो उस केस में हमने मिनिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ऑन द बैंक्ड रोड, हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए थे, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दिए थे। अब एक और चीज़ प्रैक्टिकली हम कंसिडर कर रहे हैं, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये अगर ग्रेटर दैन और इक्वल टू टैन थीटा होता है, उस केस में हम चल रहे। ये एक्चुअली एक प्रैक्टिकली बेस्ड सिचुएशन है, इसलिए हमें इसे एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करना पड़ेगा कि अगर म्यू की वैल्यू टैन थीटा से इक्वल या फिर ग्रेटर दैन टैन थीटा होगी तो उस केस में क्या होगा। तो देखो, यहाँ पर जहाँ पर भी म्यू लिखा है, म्यू की जगह अगर हमने म्यू की जगह टैन थीटा यूज़ किए तो टैन थीटा माइनस टैन थीटा कितना हो जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो इंटू आर जी भी हो जाएगा ज़ीरो, तो मिनिमम वेलोसिटी कितना आ जाएगा, ज़ीरो। ये कब हो रहा है, जब म्यू की वैल्यू हमने इक्वल टू टैन थीटा रखे तब। अब म्यू की वैल्यू हम ग्रेटर दैन भी लिख सकते हैं टैन थीटा, लेकिन उस केस में ये जो वेलोसिटी रहेगी वो निगेटिव आएगी, और वेलोसिटी कभी भी निगेटिव नहीं होती, इसलिए हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को इक्वल टू ऑफ टैन थीटा ही कंसिडर करके चले। ये बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन एक जो खास कंडीशंस है, सिचुएशन है, ये अपने पास में अभी ये नेक्स्ट अवेलेबल है। जैसे लास्ट केस में हमने कंसिडर कर लिए थे कि वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इज़ ग्रेटर लेस दैन सेफ स्पीड, हमने कंसिडर किए थे लेस दैन। अभी यहाँ पर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इज़ ग्रेटर दैन सेफ स्पीड, मतलब सेफ स्पीड से भी ग्रेटर दैन वेलोसिटी से हम चलने वाले। अब देखिए, जो सेफ स्पीड हमने लास्ट टाइम देख लिए थे, सेफ स्पीड मतलब ऑप्टिमम स्पीड होता है, और सेफ स्पीड मतलब ना तो ज़्यादा ना तो कम, मतलब ना ही वो मैक्सिमम रहेगा ना तो वो मिनिमम रहेगा, वो ऑप्टिमम स्पीड रहेगा जिसे हमने सेफ स्पीड कंसिडर किए थे। तो अब हम कंसिडर कर रहे हैं इफ़ द स्पीड इज़ ग्रेटर दैन सेफ स्पीड, मतलब ये जो स्पीड है ये ग्रेटर दैन सेफ स्पीड होगा तब क्या होगा। अब अपने को पता है कि सेफ स्पीड यानी क्या होता है, अंडर रूट आर जी टैन थीटा, हमने ये फाइंड आउट कर लिया ऑलरेडी। अब अगर ग्रेटर है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, ग्रेटर है। अभी थोड़ा सा डायग्राम देख लेते। अब यहाँ पर गाड़ी ऐसे टर्न में चल रही है, मान लेते हैं कि गाड़ी की जो टर्निंग है कुछ ये है, इस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है। अब गाड़ी इस डायरेक्शन में चल रही है और गाड़ी की स्पीड है बहुत ही ज़्यादा। जब गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है उस केस में क्या हो जाएगा, गाड़ी पर आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा लगेगा। अब अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा लगेगा तो गाड़ी इस डायरेक्शन में स्लिप होने की कोशिश करेंगी, और हमें ये पता है कि जिस डायरेक्शन में गाड़ी की मूवमेंट होती है, मतलब जिस डायरेक्शन में गाड़ी स्लिप हो सकती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। अब ये अपने को समझ में आ गया कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किधर में है, इनवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको हम स्प्लिट अप कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक हम कर रहे हैं इसको स्प्लिट अप वर्टिकल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो क्या है, एफ कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा लगकर है इसीलिए, और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। ये कौन सा कंपोनेंट है, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो आप ये समझना कि जब गाड़ी की स्पीड ग्रेटर दैन सेफ स्पीड है तो गाड़ी इस डायरेक्शन में स्कीड होने वाली है, स्लिप होने वाली है, जिसके कारण उसके ऊपर में फ्रिक्शन का फोर्स की डायरेक्शन रहेगी इनवर्ड। ये इंक्लाइंड फोर्स होने की वजह से हमने इसको स्प्लिट अप किए, हॉरिजॉन्टल हो गया एफ कॉस थीटा, थीटा लग कर है इसलिए, और वर्टिकल हो गया एफ साइन थीटा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा रहेगा क्योंकि गाड़ी की स्पीड कैसे रहेंगी, ज़्यादा। गाड़ी की स्पीड ज़्यादा तो गाड़ी इधर भागेंगी, इधर के डायरेक्शन का फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा, और इनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स कौन सा रहता है, सेंट्रीपेटल, वो कैसे रहेगा, कम। तो इसमें अपने आप ही सेंट्रीपेटल फोर्स कम रहेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे रहेगा, ज़्यादा। इसलिए हम लिख रहे हैं कि फॉर ग्रेटर स्पीड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी ग्रेटर। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये कैसे है, ग्रेटर है, किसके कंपेयर से, एन साइन थीटा। देखो, एन साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा था उसको सेंट्रीपेटल फोर्स, इसलिए इसके कंपेयर से आउटर डायरेक्शन में जाने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो कैसे, ग्रेटर है, वो हमने लिख लिया।
तो एम वी स्क्वेयर बाई आर इज़ ग्रेटर दैन एन साइन थीटा, ये कंडीशन हमने यहाँ पर लिख ली है। अब ये डायग्राम आपको समझा दिया मैंने। अब इसी डायग्राम में देखते हैं, देखो ये जो एन कॉस थीटा है ये वर्टिकल फोर्स, ठीक है, एक्चुअली एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा कहाँ से है, हमने नॉर्मल रिएक्शन को उसके स्प्लिट अप किए कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट है एन कॉस थीटा और ये क्या है एन साइन थीटा, ये हमने देख लिया है। तो अभी देखो ऊपर के डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स दिखता है, एन कॉस थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेस अपने पास में अवेलेबल है, एक है एफ साइन थीटा और एक क्या है एम जी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एन कॉस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, एम जी भी कर रहा है और एफ साइन थीटा कर रहा है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एम जी प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एन कॉस थीटा, ये याद रखेंगे आप, एम जी प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एन कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरी एक चीज़ है अपने पास में कि टूवर्ड्स द इनर जो भी फोर्सेस लगाएंगे वो कौन से फोर्स अवेलेबल है, एक है एफ कॉस थीटा और एक है एन साइन थीटा, और ये दोनों मिलकर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्यों, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स द किधर रहेंगी, सेंटर, और ये टूवर्ड्स द सेंटर ही है, इसलिए एफ कॉस थीटा और एन साइन थीटा ये दोनों मिलकर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं ये समझ में आ गया कि एन कॉस थीटा को कौन सपोर्ट कर रहा था, एम जी और एफ साइन थीटा। अब डायग्राम से फिर से एक बार देखेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक एम जी और एफ साइन थीटा, दोनों मिलकर अपवर्ड डायरेक्शन के एन कॉस थीटा को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर हम एम जी को उस साइड में लेके जा रहे हैं, ठीक है, मतलब एम जी की साइड चेंज करेंगे और एफ साइन थीटा एन कॉस थीटा एक ही साइड में रखेंगे। जैसे एन कॉस थीटा यहाँ पर है, अगर प्लस एफ साइन थीटा उस साइड में लेके गए तो माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा, वही यहाँ पे लिखे कि एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, और बचा क्या एक साइड में एम जी, ये होगी अपनी सातवीं इक्वेशन। अब हमें और एक चीज़ पता है कि एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हम बोल सकते हैं एम वी स्क्वेयर बाय आर। तो ये एक रिएक्शन हमने लिख ली, इक्वेशन लिख लिया, और ये होगी इक्वेशन नंबर 8। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टैन को फॉर्म करने के लिए हमें करना पड़ेगा साइन को कॉस से डिवाइड। तो साइन वाली टर्म क्या है अपने पास में अवेलेबल, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कॉस वाली टर्म सामने अवेलेबल है और यहाँ पर साइन है, तो हम क्या कर रहे हैं, एट्थ इक्वेशन को सेवन्थ इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 8/7, तो ये इक्वेशन 8 है ऊपर की और ये इक्वेशन 7 है। जैसे लास्ट वीडियो में आप देखेंगे तो सेम स्टाइल से हमने ये फॉर्मुलेट किए हैं। और एक चीज़ हमने किए थे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, खास करके लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करने वाले हैं एन कॉस थीटा से। तो हर एक टर्म को हमने यहाँ पर देखो एन कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया है, इधर में एम एम कैंसिल हो गया है तो ये आ गया है वी स्क्वेयर बाय आर जी। अब यहाँ पर एन एन कैंसिल होकर साइन बाय कॉस टेन थीटा, एफ बाय एन एज इट इज़ कॉस कॉस कैंसल, एन कॉस थीटा कैंसिल तो बच गया 1 माइनस एफ बाय एन, ये आ गया, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो गया टेन थीटा, और वी स्क्वेयर बाय आर जी राइट हैंड साइड में आ गया। अब यहाँ पर देखो ये जो एफ है, एफ क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन, ये फ्रिक्शन का पहला लॉ है एफ इक्वल टू म्यू एन। तो एफ की जगह हमने रख दिए म्यू एन, यहाँ पर भी एफ है, इस एफ के भी जगह हमने रख दिए म्यू एन। अब जो कैंसिल होगा फिर से देख लेंगे, यहाँ पर टेन थीटा एज इट इज़ प्लस एन एन कैंसिल तो यहाँ पर आ गया म्यू वन माइनस एन कैंसिल तो बच गया म्यू फिर से टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर जी। वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है तो वी स्क्वेयर के फॉर्म में इक्वेशन लाएंगे हम, आर जी इधर में मल्टीप्लाई चले जाएगा, तो वी स्क्वेयर इक्वल टू इतनी टर्म बाकी है अपने पास में, और सिर्फ वी की बात करेंगे तो हमें इसको लेना पड़ेगा अंडर रूट में, तो ये जो पूरी टर्म अभी आ गई है अंडर रूट में। तो हमने जब भी देखे थे कि ज़्यादा स्पीड की बात किए थे हमने कि सेप से ज़्यादा स्पीड, तो यही है मैक्सिमम स्पीड, ये क्या है मैक्सिमम स्पीड इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टैन थीटा, ये क्या है दिस इज़ द मैक्सिमम स्पीड ऑन द बैंक्ड रोड।
और एक चीज़ यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, अगर हमने बैंक्ड रोड के, बैंक मतलब इंक्लिनेशन वाला रोड, उसके जगह अनबैंक्ड रोड लिया है, मतलब इंक्लिनेशन कुछ भी नहीं है, मतलब थीटा कितना है, ज़ीरो। तो अगर हमने थीटा के जगह जीरो लिख दिया, देखियो यहाँ पर सातवें इक्वेशन में टैन थीटा था, यहाँ पर भी टैन थीटा था, थीटा की जगह कितना लिख दिए, जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि अनबैंक्ड मतलब हॉरिजॉन्टल रोड को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो हम कंसिडर करें, इफ द रोड इज हॉरिजॉन्टल, इट मीन्स थीटा इक्वल टू ज़ीरो, हमने सातवें इक्वेशन में थीटा की जगह रख दिया ज़ीरो, इस तरह से ये हो गया टेन ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो प्लस म्यू म्यू, यहाँ पर टेन जीरो की वैल्यू ज़ीरो आ गई, ये टर्म होगी वन, और आर जी इंटू ये पूरी ब्रैकेट हो जाएंगी वन, और ये यहाँ पर म्यू भी बचा था, तो म्यू इंटू आर जी म्यू आर जी। आप इसको अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो इस ब्रैकेट का आंसर सिर्फ म्यू आएगा, और म्यू इंटू आर जी हो जाएगा म्यू आर जी। इस तरह से मैक्सिमम स्पीड कितनी आ गई, अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक है, तो अपने पास में सातवीं इक्वेशन आप देख लेना, यहाँ पर सिर्फ जीरो की जगह थीटा है, वो सातवीं इक्वेशन, और ये क्या है, आठवीं इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं तो अपने को क्या दिखता है कि कौन सी स्पीड ग्रेटर है। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन होगी अपनी, आठवीं। ठीक है, सातवीं इक्वेशन में यहाँ पर जीरो नहीं है, वहाँ पर क्या है, थीटा है। तो फिर सेफ स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो सेफ स्पीड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से अगर हम गाड़ी चला सकते हैं तो कौन से रोड पर चला सकते हैं, क्या हॉरिजॉन्टल पर चला सकते हैं या फिर इंक्लाइंड पर। तो इंक्लाइंड पर मैक्सिमम स्पीड, ये है फॉर्मूला, थीटा यहाँ पर है, और हॉरिजॉन्टल पर मैक्सिमम स्पीड इतनी है। तो यहाँ पर देखो सिर्फ म्यू आर जी है, और यहाँ पर म्यू भी है, आर जी भी है, और टैन थीटा भी एक्स्ट्रा की चीज़ें यहाँ पर एडिशनल हो रहे हैं, जिनके वजह से इसका आंसर बड़ा आएगा, रूट में भी आंसर बड़ा आएगा। इस तरह से ये मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएंगी, ग्रेटर। तो हम इन दोनों को कंपेयर करके ऐसा बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रोड के कंपेयर से इंक्लाइंड रोड के ऊपर में ज़्यादा स्पीड से हम व्हीकल चला सकते हैं, और ये दोनों इक्वेशन प्रूव कर रहे हैं। जब प्रैक्टिकली मतलब एक्चुअली न्यूमरिकली इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रोड पर की इक्वेशन, और ये क्या है, इंक्लाइंड रोड पर की इक्वेशन। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करते हम तो फिर इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, मतलब इंक्लाइंड रोड पर गाड़ी हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से चला सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते रहे, इफ़ वी कंपेयर इक्वेशन 7 and 8, देन वी कैन से दैट मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ द व्हीकल इज ग्रेटर ऑन द बैंक्ड रोड, इंक्लाइंड वाला रोड है उस पर ज़्यादा स्पीड होती है एज़ कम्पेयर टू अनबैंक्ड मतलब हॉरिजॉन्टल रोड। और एक चीज़ की बात करेंगे हम फ्रिक्शन की, अगर हमने बैंकिंग प्रोवाइड किए रोड को, मतलब इंक्लिनेशन प्रोवाइड किए, और ऐसा बोल दिए कि मतलब उस रोड का रफनेस बहुत ही कम है, ना के बराबर है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं वहाँ पर ज़ीरो। ये कब कंसिडर कर रहे हैं हम, कि हमने एक इंक्लाइंड रोड कंसिडर किया और वहाँ पर कुछ भी फ्रिक्शन नहीं है, मतलब म्यू की वैल्यू ज़ीरो, ये हमने कंसिडर किया है। तो म्यू की वैल्यू ज़ीरो हम अगेन सेवंथ इक्वेशन में रखेंगे, तो जहाँ पर म्यू था वहाँ पर जीरो लिख दिया, जहाँ पर म्यू था जीरो लिख दिया। तो ये जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है अंडर रूट आर जी टैन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम स्पीड एंगल पर डिपेंड कर रही है, इस फॉर्मूले में थीटा है, एंगल है, म्यू है क्या यहाँ पर, नहीं, फ्रिक्शन पर डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने फ्रिक्शन को कितना कंसिडर किए थे, ज़ीरो, फ्रिक्शनल फोर्स था क्या, कुछ भी नहीं, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने ज़ीरो कंसिडर किए थे। तो चेक करो हमने क्या लिखे है, ये जो स्पीड है ये क्या है, एट दिस स्पीड फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट नीडेड टू प्रोवाइड द सेंट्रीपेटल फोर्स, मतलब इतने स्पीड से हम गाड़ी चला सकते हैं बैंक रोड पर, और कौन से कंडीशन में, जहाँ पर फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है। देखो बच्चों, हमें पता है कि फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल को एक बैलेंस करने वाला फोर्स मिलेगा और गाड़ी स्टेबिलिटी में चलेंगी। लेकिन जहाँ पर फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है तो सेंट्रीपेटल फोर्स अवेलेबल नहीं होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स अवेलेबल नहीं होगा तो गाड़ी स्लिप होने के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन उस केस में अगर हमने रोड को हॉरिजॉन्टल नहीं रखे और कुछ इंक्लिनेशन में रख दिए, तब बिना फ्रिक्शन से भी गाड़ी सेफली चल सकती है इंक्लाइंड रोड पर, तो उसके लिए ये इक्वेशन आ गई है। ठीक है, हमने क्या कंसिडर किए, फ्रिक्शन कितना है, ज़ीरो।
तो इसको बस वी मैक्स को हमने वी जीरो के फॉर्म में ले लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है जीरो फ्रिक्शन हमने कंसिडर किया। तो वेलोसिटी और जीरो फ्रिक्शन इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा होता है, ठीक है। तो वी जीरो क्या है, वेलोसिटी एट जीरो फ्रिक्शन। अब इसको हम यूज़ कर रहे हैं, इसी इक्वेशन को हमें फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ बैंकिंग, मतलब थीटा कितना रहेगा। तो इसको अगेन हमने स्क्वेयर कर दी, इधर का रूट हो गया कैंसल, फिर टैन थीटा के फॉर्म में हमने इक्वेशन ला लिए, थीटा को यहाँ पे रख दिया, टैन को शिफ्ट कर दिया, टैन इनवर्स के फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाएगा। तो कितना एंगल हम प्रोवाइड करेंगे, थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स वी जीरो स्क्वेयर बाय आर जी, इतना एंगल हमें रोड का रखना पड़ेगा, जहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है उस केस में इतना एंगल हमें रोड पर रखना पड़ेगा। और ये जो एंगल है कौन से चीज़ों पर डिपेंड करता है, कि वेलोसिटी कितनी है गाड़ी की, रेडियस कितनी है सर्कुलर पाथ की, और ग्रेविटी कितनी है। सो गाइज, दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द एंगल ऑफ बैंकिंग विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हीकल। ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि ये जो एंगल ऑफ बैंकिंग है क्या वो मास पर गाड़ी के डिपेंड करता है, तो नहीं, एंगल ऑफ बैंकिंग कभी भी गाड़ी के मास पर डिपेंड नहीं करता। गाड़ी हेवी है या फिर हल्की है उस पर इंक्लिनेशन देना डिपेंड नहीं करता। अगर हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि गाड़ी बहुत हेवी है तो स्लिप होगी नहीं होगी, या फिर हल्की है तो स्लिप होगी नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। एक्चुअली ये हम देख रहे हैं थीटा, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग। और जो एंगल ऑफ बैंकिंग है ये इस केस में अगर हमने म्यू को जीरो कंसिडर कर लिए, तो ये एक एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला अपने पास में मिलता है। और यहाँ पर कहीं पर भी एम मतलब मास नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ बैंकिंग इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द व्हीकल।